ग्वालियर में 3 दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली लौटने से पहले जयविलास पैलेस में जनता से मुलाकात की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामना दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सनातन धर्म के अपमान और 28 दलों के इंडिया गठबंधन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये गुट देश को विनाश के पथ पर ले जाने, सनातन धर्म को नष्ट करने, भ्रष्टाचार व्यापक करने के लिए और तुष्टिकरण व्यापक करने के लिए बनाया है। जन्माष्टमी के पर्व पर मेरे तरफ से सभी हमारे प्रदेशवासियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए रास्ते पे हम लोग सब चलें। कल दौरे के बाद स्वयं घर आकर पूजन करने का सौभाग्य मुझे मिला और जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए सदैव अच्छे कर्म हो, यही सीख हमें मिलती है, उसी के आधार पर हम अपना जीवन यापन करते हैं।